नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है? एम्ब्रियो में जो इंडक्शन होता है उसको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बोलते हैं। अब इंडक्शन का मतलब समझते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। किसी भी सेल या टिश्यू की इंड्यूस होने की कैपेसिटी, इंड्यूस बोलो या फिर स्टिमुलेट होने की जो कैपेसिटी होती है उसको इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखना ये है कि कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन इंड्यूस हो रहा है और इंड्यूस होने से क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो मान लीजिए अपन यहाँ देखते हैं, ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या फिर टिश्यू हैं, इनको अपन नाम दे देते हैं ए। ये क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को या फिर टिश्यू को, जिसको अपन नाम दे देते हैं बी। तो यहाँ पे अपन सीधे शब्दों में बात करें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ए, वो इंड्यूस कर रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल बी को, और इस बी के इंडक्शन से क्या हो रहा है? डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, और डिफ्रेंसिएशन से अपन को पता है क्या होता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो इंडक्शन क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जहाँ पे वन ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, या फिर बोल दीजिए इंड्यूस द डिफ्रेंसिएशन इन अदर ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू। तो इंडक्शन क्या हुआ? जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स इंड्यूस करते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को, किसके लिए? डिफ्रेंसिएशन के लिए। अपन ने अब तक जायगॉट का डेवलपमेंट पढ़ा, उसमें अपन ने क्या देखा? स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से जायगॉट का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर जायगॉट में क्या होता है? क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है। फिर जायगॉट से किसका फॉर्मेशन होता है? मोरूला का फॉर्मेशन होता है। मोरूला से फिर ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है, और अपन ने देखा ब्लास्टूला तक क्या होता है? जायगॉट में डिवीजन होता है। जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। फिर ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला स्टेज आती है, और इस गैस्ट्रूला स्टेज में अपन ने क्या देखा था? यहाँ पे तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनको अपन ने नाम दिया था एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ब्लास्टूला स्टेज तक क्या हो रहा था? सेल का डिवीजन हो रहा था। अब ब्लास्टूला से जब गैस्ट्रूला स्टेज आएगी तो जो सेल्स डिवाइड हुए हैं उनसे क्या होगा? तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, और अब ये जो तीन प्राइमरी जर्म लेयर फॉर्म हुई है वो क्या होंगी? डिफरेंशिएट होंगी। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये डिफरेंशिएट हुई और एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से बॉडी के ऑर्गन्स का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का। मतलब जो सेल्स अब तक डिवाइड हुए उनका फर्दर क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन। सेल का क्या हो जाता है? स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब तक तो ये सेल सब कैसी थी? एक जैसी थी। अब इनमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट जब एमबीबीएस करते हैं तो वो क्या करते हैं? सेम मेडिकल स्टडीज़ करते हैं, बट जब पीजी करते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है। पीजी में क्या होता है? कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो वो क्या हो रहा है? वहाँ पे उन डॉक्टर्स का स्पेशलाइजेशन हो रहा है। कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, वैसे ही इन सेल्स का क्या हो जाता है? स्पेशलाइजेशन हो जाता है। वो स्पेशलाइज हो जाती है कि कौन से एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, मीजोडर्म से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा और एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत सिंपल नहीं है कि कैसे सेल्स डिफरेंशिएट हो रही हैं। सेल को कौन जाके बता रहा है? एक्टोडर्म को कि आपको डिफरेंशिएट होना है इस ऑर्गन में, मीजोडर्म को डिफरेंशिएट होना है इसमें। तो यहाँ पे एक प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन के लिए, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। बट उसी के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बोलते हैं। और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है? कोई एक ग्रुप ऑफ सेल या जो टिश्यू होती है वो अपने एडजेसेंट सेल या टिश्यू को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, उनको इंड्यूस करती है, उनमें मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट लेके आती है, ताकि वो जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो क्या हो सके? उनमें डिफरेंशिएशन हो सके। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सके। तो अभी अपन ने यहाँ पे देखा ए सेल इंड्यूस कर रही है बी को, और फिर क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है और ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो ए सेल हैं जो इंड्यूस कर रही हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? इंड्यूसर या फिर ऑर्गेनाइजर बोलेंगे। इंड्यूसर या ऑर्गेनाइजर कौन होता है? जो इंड्यूस करता है सामने वाले सेल को, उनको अपन क्या बोलते हैं? इंड्यूसर बोलते हैं। और इंड्यूसर का ही दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजर है।
और ये इंड्यूस कहाँ से करती हैं, ये कोई केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल सिग्नल भी हो सकता है वो, या फिर कोई प्रोटीन भी हो सकता है, केमिकल सिग्नल या प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, इवोकेटर बोलते हैं या फिर मॉर्फोजन बोलते हैं। तो मॉर्फोजन या इवोकेटर क्या होते हैं, वो केमिकल सिग्नल्स या प्रोटीन होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूसर और ऑर्गेनाइजर टू इंड्यूस द अदर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर ये क्या होती हैं, इवोकेटर होती हैं या मॉर्फोजन होती हैं, ये क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ कहाँ होंगे, रेस्पॉन्सिव टिश्यू में डिफ्यूज़ होंगे, और रेस्पॉन्सिव टिश्यू को क्या करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे। तो रेस्पॉन्सिव टिश्यू क्या हुई, ये रेस्पॉन्सिव टिश्यू वो टिश्यू होती है जो रेस्पॉन्स शो करती है इस स्टिमुलस के प्रति। ये जो केमिकल सिग्नल या स्टिमुलस या प्रोटीन जो भी है उसके प्रति जो रेस्पॉन्ड करती है उनको रेस्पॉन्सिव टिश्यू बोलते हैं। और रेस्पॉन्सिव टिश्यू क्या हो जाती है, इन इवोकेटर या मॉर्फोजन के हेल्प से इंड्यूस हो जाती है। और इनके इंड्यूस होने से क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक प्रोसेस होती है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन में डिटेल से पढ़ने वाले होते हैं। इनमें क्या है कि जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन क्या प्रोसेस होती है, जब जायगॉट का डेवलपमेंट होता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, बट फर्दर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो वो उन जीन में से कुछ जीन्स क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं और कुछ क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं। तो जो फंक्शनल जीन्स होती हैं उनमें भी कुछ जीन्स क्या होती हैं, टर्न ऑफ होती रहती हैं और टर्न ऑन होती रहती हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इसी डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या होती हैं, जो रेस्पॉन्सिव सेल या रेस्पॉन्सिव टिश्यू होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सप्रेशन शो करती हैं, डिफरेंशिएशन शो करती हैं और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। तो होप्स जो आपको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूसर या ऑर्गेनाइजर क्या करती हैं, ये केमिकल सिग्नल या प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं जिनको इवोकेटर या फिर मॉर्फोजन बोलते हैं, और ये किसी दूसरे ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू पे क्या करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव टिश्यू बोलते हैं, और उन पर क्या करती है, ये उनको इंड्यूस करती है, और उनके इंडक्शन से क्या होता है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का दूसरा नाम है डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन। ये क्या करती है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो कैसा है, डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेस्पॉन्सिव टिश्यू डिफरेंशिएशन करेगी वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, इंड्यूसर पे डिपेंड है। इंड्यूसर जो केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगी या मॉर्फोजन प्रोवाइड करेगी उनसे ये क्या होगी, इंड्यूस होगी, तो इंड्यूसर पे ये क्या होती है, डिपेंड होती है। इसलिए एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को अपन डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। स्पीमन साइंटिस्ट का एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में मेन कंट्रीब्यूशन है, इनके एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रे क्रेसेंट क्या होता है, जब स्पर्म पेनेट्रेट करता है एग में तो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो जाते हैं और उसी एक्सपोज्ड एरिया को ग्रे क्रेसेंट बोलते हैं। ये क्या है, वेजिटल पोल है, यहाँ पे योग का अमाउंट ज़्यादा है, उसके अपोजिट क्या होता है, एनिमल पोल होता है। और जब स्पर्म पेनेट्रेट करता है एग में तो जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और उसी एक्सपोज्ड एरिया को क्या बोलते हैं, ग्रे क्रेसेंट बोलते हैं। स्पीमन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेलेमेंडर के जायगॉट पे, और उन्होंने सेलेमेंडर के जायगॉट को क्या किया, कंस्ट्रिक्ट किया, लाइगेट के एक धागे से बांध दिया, और उसके जो दो हाफ्स थे उन दोनों हाफ्स में ग्रे क्रेसेंट प्रेजेंट था। और जब उस जायगॉट का डेवलपमेंट हुआ तो उससे ये जो दोनों हाफ्स थे, इन दोनों हाफ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें उन्होंने जायगॉट को ऐसे कंस्ट्रिक्ट किया या ऐसे लाइगेट किया कि जो ग्रे क्रेसेंट था वो सिर्फ उसके एक हाफ में प्रेजेंट था, सिर्फ आधे पार्ट में प्रेजेंट था और आधे में एब्सेंट था। और जब इस जायगॉट का डेवलपमेंट हुआ तो उसके उस एरिया पे जहाँ पे ग्रे क्रेसेंट प्रेजेंट था उस हाफ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और जिस हाफ में ग्रे क्रेसेंट एब्सेंट था वहाँ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये कंक्लूड किया कि जो ग्रे क्रेसेंट होता है वो एसेंशियल होता है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ग्रे क्रेसेंट वाइटल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोफोर, नोटोकोर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ग्रे क्रेसेंट होता है वो एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है, ब्लास्टोफोर फॉर्मेशन के लिए, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के लिए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंडक्शन के लिए वो वाइटल होता है। नेक्स्ट, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वो तभी प्रोसीड करता है जब जो सेलुलर कंस्ट्रिक्शन होता है वो एक करेक्ट प्लेन में हो। यहाँ पे अपन ने जो सेलुलर कंस्ट्रिक्शन किया, जो इस जायगॉट को अपन ने लाइगेट किया, वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में किया, और नेक्स्ट अपन ने ट्रांसवर्स, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ट्रांसवर्स प्लेन में
जो जाइगोट था उसको कंस्ट्रिक्ट या फिर लाइगेट किया। तो जब लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में लाइगेट किया तो उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और जब ट्रांसवर्स प्लेन में लाइगेट किया तो उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। तो इससे ये भी कंक्लूड होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए सेलुलर कंस्ट्रिक्शन की जो प्लेन होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस में थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और जो एक्टोडर्म होती है वो डिफरेंशिएट होती है और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब स्पीमन का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसमें उन्होंने जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म के एक पीस को उन्होंने रिमूव कर दिया। जो जायगोट था उसमें जो एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म के एक टुकड़े को उन्होंने काट के रिमूव कर दिया। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ तो एम्ब्रियो में ये देखने को मिला कि उस एम्ब्रियो में नर्वस सिस्टम एब्सेंट था। तो इससे क्या समझ में आता है, जो एक्टोडर्म होती है वो डिफरेंशिएट होती है और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है ओनली उसी कंडीशन में जब वो एम्ब्रियो से अटैच हो। इसका मतलब जब एक्टोडर्म एम्ब्रियो से अटैच्ड हो और उसका इंट्रैक्शन हो उसकी नीचे वाली लेयर्स के साथ, मीजोडर्म के साथ, तभी वो डिफरेंशिएट होती है और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें इन्होंने इस बार एक्टोडर्म के पीस को रिमूव ना करने के बजाय मीजोडर्म की जो पीस है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। मीजोडर्म के एक टुकड़े को काटा और उस टुकड़े को रिमूव कर दिया। फिर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें उन्होंने ये देखा कि उस एम्ब्रियो में नर्वस सिस्टम एब्सेंट था। तो अपन ने देखा कि जब डिफरेंशिएशन होता है एक्टोडर्म का तो उससे नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है। बट यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि मीजोडर्म को भी अगर काट दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तब भी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि मीजोडर्म भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है एक्टोडर्म के डिफरेंशिएशन से, और एक्टोडर्म के डिफरेंशिएशन से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो मीजोडर्म होती है इट इन्फ्लुएंस द डिफरेंशिएशन, जो न्यूरल डिफरेंशिएशन होता है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होती है मीजोडर्म। यहाँ पे मीजोडर्म क्या करती है, वो एज ए ऑर्गेनाइजर का काम करती है, एज ए इंड्यूसर का काम करती है। और इंड्यूसर क्या करता है, कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो ये जो मीजोडर्म होगी वो क्या करेगी, एज ए ऑर्गेनाइजर या इंड्यूसर का काम करेगी और सिग्नल ट्रांसमिट करेगी। और उस सिग्नल से क्या होगा, वो सिग्नल कहाँ आएगा, एक्टोडर्म पे आएगा। और एक्टोडर्म यहाँ क्या हो गई, रेस्पॉन्सिव टिश्यू हो गई, जो उस सिग्नल के प्रति क्या करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी। और वो उसको स्टिमुलस मिलते ही एक्टोडर्म क्या करेगी, डिफरेंशिएशन करेगी। और एक्टोडर्म के डिफरेंशिएशन से क्या होगा, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एक्टोडर्म के डिफरेंशिएशन से नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टोडर्म वहाँ पे प्रेजेंट होना एसेंशियल है नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन हो रहा है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से एक्टोडर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है और डिफरेंशिएशन होकर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। और इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में जो मीजोडर्म की लेयर होती है वो एज ए ऑर्गेनाइजर या एज ए इंड्यूसर का काम करती है, और वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है और वो सिग्नल रिसीव करती है रेस्पॉन्डिंग टिश्यू। और यहाँ पे रेस्पॉन्डिंग टिश्यू क्या होगी, एक्टोडर्म होगी, और वो इंड्यूस होने के बाद में डिफरेंशिएट होती है और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे न्यूरल डिफरेंशिएशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मीजोडर्म रेस्पॉन्सिबल है। पीमन ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हेट्रोब्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया। हेट्रोब्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जब दो स्पीशीज़ के बीच में ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसको हेट्रोब्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे स्पीमैन ने दो स्पीशीज़ ली, ट्राइट्यूरस की, या जिसको न्यूट बोलते हैं, और यहाँ पे जो एक स्पीशीज़ थी जिसको अपन ए मान लेते हैं, वो स्पीशीज़ अपनी अर्ली गैस्ट्रुला फेज़ में थी, और जो बी स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ थी वो अपनी लेट गैस्ट्रुला फेज़ में थी। तो ये ए का जायगॉट है, ए स्पीशीज़ का जायगॉट है जो कि अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में है। वहाँ से उसके डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर को ट्रांसप्लांट किया गया बी जो स्पीशीज़ है उसकी लेट गैस्ट्रुला फेज़ में, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया। और ये क्या है, इसकी डोर्सल साइड और ये क्या है, वेंट्रल साइड है। तो बी का जो जायगॉट है उसके वेंट्रल साइड में डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर को ट्रांसप्लांट किया गया। फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ बी एम्ब्रियो में,
और बी एम्ब्रियो को अपन देखते हैं इसमें क्या होगा, सॉरी बी जाइगॉट में क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा और इस जाइगॉट में डेवलपमेंट होगा तो इमेजिनेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे प्राइमरी इमेजिनेशन होगा, यहाँ पे सेकेंडरी इमेजिनेशन होगा, फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा तो प्राइमरी इमेजिनेशन से प्राइमरी नर्व कॉर्ड, प्राइमरी नोटोकॉर्ड इनका फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी इमेजिनेशन से सेकेंडरी नर्व कॉर्ड, सेकेंडरी नोटोकॉर्ड और बाकी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा और जब फाइनली जाइगॉट डेवलप होगा तो यहाँ दो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन होगा, एक तो होस्ट एम्ब्रियो, होस्ट एम्ब्रियो यहाँ पे क्या है बी जाइगॉट, जहाँ पे अपन ने बी स्पीशीज़ में डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर ए स्पीशीज़ का ट्रांसप्लांट किया गया था, तो जब ये बी स्पीशीज़ का जाइगॉट डेवलप होता है तो उससे जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो होस्ट एम्ब्रियो है और यहाँ पे एक और एम्ब्रियो फॉर्म होगा जो कि क्या है इंड्यूस्ड एम्ब्रियो है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर है वो एज ए ऑर्गेनाइजर या एज ए इंड्यूसर वर्क करेगा, एज ए इंड्यूसर एक्ट करेगा और यहाँ पे एज ए न्यूरल इंड्यूसर एक्ट करेगा जो एक्टोडर्म को डिफरेंशिएट इंड्यूस करेगा और वो डिफरेंशिएट होगी न्यूरल ट्यूब में और न्यूरल ट्यूब फर्दर डिफरेंशिएट होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में और उसके साथ साथ ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को भी इंड्यूस करेगा, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा और उसके साथ साथ जब गैस्ट्रुला स्टेज आएगी तो उसमें जो थ्री प्राइमरी जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है उनको ऑर्गेनाइज करेगा ताकि एक कंप्लीट सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे जो अपन ने ऊपर डायग्राम में देखा था वहाँ पे जाइगॉट से क्या हो रहा था, दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, एक तो होस्ट एम्ब्रियो का और एक इंड्यूस्ड एम्ब्रियो का, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है सेकेंडरी एम्ब्रियो है, तो यहाँ पे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर will act as a neural inducer जो induce करेगा ectoderm को और वो ectoderm induce होकर further differentiate होगी into neural tube and brain and spinal cord और वो जो ectoderm, mesoderm और endoderm का formation होता है gastrulation process में उन layers को organize करेगा ताकि complete secondary embryo का formation हो। यहाँ पे जो dorsal lip of blastophore है उसको primary organizer बोलेंगे क्योंकि embryonic induction की process में ये जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का जो सीक्वेंस होता है उसमें फर्स्ट है और ये फर्दर इसमें कैपेसिटी होती है ये ऑर्गेनाइज कर सके और एक सेकेंडरी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर सके। और यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के एग्जांपल अपन देखते हैं, एक तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर है, उसके साथ साथ कॉर्डा मीजोडर्म के सेल्स हैं जो अभी अपन ने देखा था, कॉर्डा मीजोडर्म के सेल्स क्या होते हैं एज ए इंड्यूसर या एज ए ऑर्गेनाइजर एक्ट करते हैं जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और वो सिग्नल कौन रिसीव करता है, एक्टोडर्म रिसीव करता है और एक्टोडर्म फर्दर क्या हो जाता है डिफरेंशिएट हो जाता है और अपन ने देखा था ग्रे क्रिसेंट एरिया, तो ये तीनों यहाँ पे क्या होते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होते हैं जो क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं और इनसे क्या होता है एक कंप्लीट सेकंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का अपन एग्जांपल देखें तो जो फ्रॉग, साइक्लोस्ट्रॉम, बॉनी फिश, बर्ड्स, रैबिट, एसिडियन और एम्फियोक्सिस होते हैं उनमें प्राइमरी ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनमें क्या होते हैं इंड्यूसर प्रेजेंट होते हैं और इनसे एक कंप्लीट सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। लोट्रोप ने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया, एक तो एंडोजेनस इंडक्शन और एक एक्सोजेनस इंडक्शन। एंडोजेनस इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो सेल इवोकेटर प्रोड्यूस करती है वो इवोकेटर उसी सेल को इंड्यूस करते हैं और उसी सेल में डिफ्रेंसिएशन होता है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ये इवोकेटर या मॉर्फोजन प्रोड्यूस करती है और वो इवोकेटर और मॉर्फोजन इसी सेम सेल को क्या करेंगे इंड्यूस करेंगे और इंड्यूस होने से यही सेम सेल क्या करेगी डिफरेंशिएट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है एंडोजिनसली हो रहा है, इसी सेल के अंदर इंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है और जो इवोकेटर या इंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी सेल को इंड्यूस करेगा, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे और इंड्यूस होने से ये सेम सेल क्या करेगी डिफरेंशिएशन करेगी और इसी को सेल्फ डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो एंडोजेनस इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे सम एम्ब्रियोनिक सेल रेस्पॉन्ड टू एन इंडक्टर प्रोड्यूस एंडोजेनसली, यहाँ पे जो सेल रेस्पॉन्ड कर रही है वो सेम खुद जो प्रोड्यूस कर रही है इवोकेटर या इंडक्टर उसके प्रति रेस्पॉन्ड कर रही है, मतलब यहाँ पे जो इंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है। सेल अंडरगो आइदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डिफेंस, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन हो रहा है और उससे सेल्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है। एंडोजेनस इंडक्शन का एग्जांपल देखें
तो जो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं ऑफ वेंट्रल वॉल ऑफ इकेनॉइड, वो क्या है, एंडोजेनस इंडक्शन का एग्जांपल है. और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर होता है, ये क्या है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर, ये क्या है, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर. जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर होती हैं वो क्या करती हैं, उसके कुछ जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो अंदर जाके कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे ये जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर है वो क्या कर रही हैं, कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स का, उसी के कुछ माइक्रोमियर क्या कर रहे हैं, कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोजेनस इंडक्शन का. नेक्स्ट है एक्सोजेनस इंडक्शन. यहाँ पे जो इंडक्टर रिलीज हो रहा है वो दूसरी रेस्पोंडेंट सेल पे एक्ट कर रहा है. मान लीजिए ये ए सेल और बी सेल है, तो ये ए सेल क्या है, इंड्यूसर सेल है, तो ये यहाँ पे इवोकेटर रिलीज करेगी और वो इवोकेटर किसको इंड्यूस करेंगे, बी सेल को इंड्यूस करेंगे. इसका एग्जांपल अपन ने देखा है, जो मेसोडर्म की सेल्स होती हैं वो एज ए इंड्यूसर एक्ट करती हैं, और वो किसको इंड्यूस करेंगी, एक्टोडर्म की सेल को इंड्यूस करेगी न्यूरल डिफ्रेंसिएशन के लिए. तो वो किसका एग्जांपल है, एक्सोजेनस इंडक्शन का एग्जांपल है. फर्दर जो एक्सोजेनस इंडक्शन होता है वो भी दो टाइप का होता है, होमोटाइपिक इंडक्शन और हेट्रोटाइपिक इंडक्शन. होमोटाइपिक इंडक्शन में क्या होता है, जो सेल इंड्यूस होती है वो सेम टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करती है, और हेट्रोटाइपिक इंडक्शन में क्या होता है, जो सेल इंड्यूस हुई वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है. होमोटाइपिक इंडक्शन का एग्जांपल देखते हैं, जो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है एम्फीबियंस में, वो होमोटाइपिक इंडक्शन का एग्जांपल है. और हेट्रोटाइपिक इंडक्शन का एग्जांपल, जैसे अभी अपन ने देखा था, जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोफोर होता है उससे कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, वो हेट्रोटाइपिक इंडक्शन का एग्जांपल है. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजर. जो ऑर्गेनाइजर होता है वो रीजनल स्पेसिफिक होता है. अर्ली गैस्ट्रुला में जो डॉर्सल लिप होता है उसमें हेड ऑर्गेनाइजर होता है, और जो लेट गैस्ट्रुला होता है उसमें स्पाइनोकॉडल ऑर्गेनाइजर होता है. जो हेड ऑर्गेनाइजर होता है वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होता है आर्किनसेफेलिक इंडक्टर में, जो फर्दर फोरब्रेन, आईज, ईयर और नोज़ का फॉर्मेशन करता है, और ड्यूटरिन सेफेलिक इंडक्टर ईयर वेसिकल और हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. हेड ऑर्गेनाइजर के साथ साथ ट्रंक ऑर्गेनाइजर भी प्रेजेंट होता है, जो ट्रंक ऑर्गन और टेल बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है. जो इंडक्टिव कैपेसिटी होती है वो रीजनल स्पेसिफिक होने के साथ साथ जो एम्ब्रियो की डेवलपिंग स्टेज होती है उस पर भी डिपेंड करती है. जैसे अपन ने स्पीमैन के एक्सपेरिमेंट में देखा था, लेट गैस्ट्रुला स्टेज में जो डॉर्सल लिप होता है ब्लास्टोफोर का, उसमें इंडक्टिव कैपेसिटी होती है कि वो एक कंप्लीट सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सके. ऑर्गेनाइजर और रेस्पॉन्डर के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके बेसिस पे इंडक्शन दो टाइप का होता है, एक तो इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन होता है और एक परमिसिव इंडक्शन होता है. इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा इंडक्शन जिसके लिए इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता हो उसको इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन बोलते हैं. यहाँ पे जो रेस्पॉन्डिंग सेल्स होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट होने के लिए इंड्यूसिंग सेल से सिग्नल की आवश्यकता होती है, ताकि वो एक नए जीन एक्सप्रेशन को इनिशिएट कर सके. परमिसिव इंडक्शन में जो रेस्पॉन्डिंग टिश्यू होती है उसके पास सारा पोटेंशियल होता है, उसके पास डिफ्रेंशिएशन की सारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बस उनको परमिशन चाहिए होती है इंड्यूसर सेल से खुद को एक्सप्रेस करने के लिए.